दो लखनऊ की पब्लिक कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दिन लखनऊ का जो होम ग्राउंड है इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पूरा नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, वहां पे पहला मैच होने वाला। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा कि यहाँ इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा, वो भी लखनऊ टीम का, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था तो इस साल होने वाला है मैच। और इस मैच से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज आप लोगों की हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही, कई सारा कंफ्यूजन है। इसके पहले मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देने की कोशिश करी थी, लेकिन इसमें और भी कई सारे कन्फ्यूजन रह गए थे, पार्किंग से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड और एंट्री से रिलेटेड, ये सब। तो मैं इस वीडियो में वो सब आपको कवर करके बताऊंगा। इस वीडियो से आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़ जाएगा और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इकाना क्रिकेट स्टेडियम, और ये देखिए बैरिकेड्स वगैरह लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। आप मैं थोड़ा पास चल के आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे कई सारी भीड़ लगी हुई है, टिकट्स के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन बुक करके फिर यहाँ आ रहे फिजिकल टिकट लेने। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ग्राउंड पे कोई भी टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप स्टेडियम पे आएंगे तो टिकट मिल नहीं रहा है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए, कोशिश करिए लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पे टिकट्स मिल रहे हैं उसके लोकेशन भी पेटीएम इंसाइडर पे दिखाता है। अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो आप वहाँ से जाके फिजिकल टिकट ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कई सारी भीड़ खड़ी हुई है लेकिन टिकट्स नहीं मिल रहे, सारे बॉक्स ऑफिस बंद है और ये बैरिकेड भी इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे टिकट्स नहीं मिलने, सिर्फ एंट्री होगी इन गेट पे। ये गेट नंबर 2 अभी मैं खड़ा हूँ, अभी और भी गेट्स में आपको दिखा दूंगा चल के। टिकट्स बहुत ही ज्यादा जल्दी बिक रहे हैं, अभी 500 वाला जो टिकट था वो अनअवेलेबल हो गया, 700 वाला भी धीरे धीरे अनअवेलेबल हो रहा है। तो जितना जल्दी हो आप टिकट्स बुक करिए ऑनलाइन, फिर जाके आप फिजिकल टिकट ले लीजिए। लेकिन मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि सारा हॉस्पिटल गेट नंबर 3 पे फिजिकल टिकट्स मिल रहे हैं, आप जाके डायरेक्ट वही टिकट लीजिए, आपको ज़्यादा लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स बहुत सारे लोग बुक कर रहे हैं फिर आके यहाँ पे फिजिकल टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं। आप लोग ग्राउंड पर बिल्कुल मत आएँ, आप सिर्फ सारा हॉस्पिटल पर जाइए, वहाँ पर गेट नंबर 3 पर टिकट मिल रहा, आप वहाँ पर जाके जल्दी से जल्दी करा लीजिए, वरना आपके भी टिकट नहीं मिलेगी। जैसा अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर पुलिस वगैरह है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, जिसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप गाड़ी यहाँ कहीं भी रोड पर आप खड़ी कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी आपकी तुरंत यहाँ से उठा ली जाएगी। पार्किंग का जो है रिलेटेड, पार्किंग कहाँ पे आपको करनी वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। लेकिन आप गाड़ी रोड पे मत खड़े रहिए, पुलिस है यहाँ पे जो कि आपकी गाड़ी को यहाँ से तुरंत हटा दी जाएगी। आप इस तरफ देख सकते हो, ये है फिनिक्स प्लासियो मॉल और इधर आपको बोर्ड लगा हुआ है इकाना स्टेडियम गेट नंबर 3 और 4 का। आप ये यहाँ देख सकते हो, ये लोकेशन आप यहाँ पे फिनिक्स प्लासियो के जस्ट सामने, यहाँ पे 3 और 4 नंबर गेट जाने का रास्ता है, आप इधर से सीधे जाइएगा। और पार्किंग भी मैं चल के आपको आगे दिखा देंगे कि पार्किंग कहाँ पर करनी है। और इसी रास्ते के बगल में ही आप देख पा रहे हो बड़ा सा यहाँ पे बैनर लगा दिया गया, पोस्टर लगा दिया जिसमें पार्किंग बताया गया कि कहाँ कहाँ करना है, पैदल वाले लोग को कहाँ से जाना है, एंट्री कहाँ से करना है, टू व्हीलर फोर व्हीलर लोग गाड़ियाँ कहाँ से खड़ी करनी है। आप यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही आइएगा, अपने पार्किंग वगैरह देख लीजिएगा कि कहाँ पार्किंग करनी है, और यहाँ पे रोड भी दिया गया है कि कहाँ से आप कैसे आइएगा, आप इसको आके पहले चेक कर लीजिएगा फिर ही गाड़ी पार्किंग करिएगा। तो दोस्तों, अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये है गेट नंबर 3, आप अपने पास में देख लीजिएगा, टिकट्स में देख लीजिएगा कि आपकी एंट्री किधर से, ईस्ट वेस्ट साउथ, और उसी हिसाब से आप अंदर एंट्री करिएगा। और जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ उसका पार्किंग भी इधर ही है, जो साउथ स्टैंड कार पास ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, आप इस गेट नंबर 3 पे फोर व्हीलर अपनी पार्किंग पे लगा सकते हैं। और जो मैं पार्किंग का मैप है वो मैं आपके लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से पार्किंग लगाइएगा। यहाँ पे कुछ माहौल इस तरह है, काफ़ी लोग यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, कुछ लोग टिकट्स के लिए हैं, कुछ लोग यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि मैच में मैच होने वाला है उसके, ये फेस्टिवल से किसी कम नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पे, कई सारे लोगों को बुलाया गया। एक बात और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई लोग ये गलती कर देते हैं, अंदर आने से पहले आप अपने साथ कुछ भी मत लाइएगा, जैसे कॉइन, अम्ब्रेला, पावर बैंक वगैरह और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा सारी लिस्ट, आप उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ अंदर नहीं ले जाना है। आप अंदर आप यहाँ पे लेकर आ जाओगे लेकिन अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, तो कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप उसको फेंकना ही पड़ेगा, ना कि आप यहाँ पे कोई रखने की जगह रख भी नहीं पाओगे, तो आप पावर बैंक वगैरह हो गया, चार्जर वगैरह, कैमरा वगैरह हो गया, ट्राईपोड, सेल्फी स्टिक, ये सब कुछ भी मत लेकर आइएगा, ये सब यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। मैं आपको मैंने लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमें मिले हैं एक बहुत ही बड़े फैन मैच के, जो हमें लग रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हो लिखा है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि लखनऊ के टीम के फैन हैं, और इन्होंने पूरी बॉडी पर पेंट वगैरह करा रखा है, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कई सारे लोग फोटोज़ वगैरह भी खींच रहे हैं, खिंचा रहे हैं साथ में, और इनको देख सकते हैं, ये भी आज का मैच ज्वाइन करने वाले हैं। इकाना स्टेडियम और प्लासियो मॉल के जस्ट सामने आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कई सारी दुकानें लगी हैं, जहाँ से आप टी शर्ट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे पूरी रो में लाइन टी शर्टों की लगी हुई है, पहले उस साइड लगी हुई थी लेकिन वहाँ से पुलिस वालों ने हटवा दिया है, तो यहाँ पे दुकानें लगी हैं। अगर आप टी शर्ट वगैरह बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ले सकते हैं, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी करा सकते हैं अपने फेस पर। और चल के देखते हैं टी शर्ट के रेट वगैरह कितने के हैं, मैं वो भी आपको बता दूँ। क्या रेट है भाई टी शर्ट वगैरह के? 200 रुपये, 250, कोई भी लो। अच्छा,
तो अगर आपको टी शर्ट वगैरह लेनी है तो आके यहाँ से ले लीजिए। कल तो ये 250-300 में बिक रहे थे, आज यहाँ पे फिलहाल 200 में बिक रहे हैं, सही रेट है, आके आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये प्लासियो के जस्ट सामने ही मिल रहे हैं, आप उस साइड में ढूंढेगा क्योंकि वहाँ पे पुलिस लोगों ने वहाँ से हटवा दिया है, तो इस साइड कई सारी दुकानें लगी हैं, आप आके यहाँ से ले लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मैं एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि अगर आप फ्री में आईपीएल देखना चाहते हैं तो जी सिनेमा पे आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और भी मैच से रिलेटेड मैं अपडेट्स डालता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आज जो मैच होने वाला मैं वहाँ भी जाऊँगा, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, जल्दी मतलब मैच खत्म होने के बाद ही डालूंगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।